धान की रोपाई का समय चल रहा है, लेकिन धान की रोपाई के लिए मजदूरों का टोटा होने के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष नाम मात्र ही मजदूर दूसरे राज्यों में जिले में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में धान की रोपाई करवाने के लिए किसानों को स्थानीय मजदूरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिले में हर वर्ष 40,000 से अधिक मजदूर धान की रोपाई करने के लिए जिले के अलग अलग स्थानों पर पहुंचते थे। या सभी मजदूर झारखंड, यूपी, बिहार से जिले में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन इस वर्ष इन सभी राज्यों से नाम मात्र मजदूर ही जिले में पहुंचे हैं। ऐसे में किसानों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मजदूरों की संख्या कम होने के कारण खराब स्थिति हो रही है। आपको बता दें कि स्थानीय मजदूरों ने मजदूरी के रेट भी बढ़ा दिए हैं। बारिश के बाद एक साथ शुरू हुआ धान रोपाई का कार्य, जिले में करीब 4 दिन पहले हुई बारिश के बाद से किसानों ने धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया। धान की रोपाई के लिए मजदूर ना मिलने से किसानों को बार बार मजदूरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।